नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों 27,713 पद हैं जो कि शिक्षकों के लिए आने वाले हैं। अब इसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि 2 महीने के अंतर्गत इस भर्ती को क्लियर करें, है ना। तो अब यहाँ पे बात ये हो सकती है कि कौन कौन इस भर्ती को भर सकता है, उम्र में क्या छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एग्जाम पैटर्न होगा तो कैसे होगा, इन सभी बातों पर डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं ये न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये न्यूज आई हुई है या आज की न्यूज कटिंग है जो कि 27,713 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन होने वाला है और ये हाईकोर्ट ने सरकार को बोला है। तो इसमें क्या हो सकता है ये बात हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन भर सकता है अगर ये विज्ञप्ति आती है, अभी आई नहीं है, ठीक है। अभी मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि अभी आई नहीं है, ये अभी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और 2018 के पैटर्न के अनुसार इसको कराने की मांग की गई है। अगर कोई भी आफत नहीं होती है तो, अगर आफत होती है तो सरकार को ये बोला गया है कि आप न्यूज़पेपर में लिखित प्रदान करें कि अगर भर्ती नहीं आ रही है या डिले हो रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आई नहीं है और 2 महीने का समय दिया गया है सरकार को, ठीक है। तो अगर आती है तो कौन कौन भर सकता है, सबसे पहली बात तो इसमें केवल बीटीसी वाले भरेंगे, ठीक है। इस चीज को क्लियर करना, यानी डीएलएड बीटीसी वाला भर सकता है, बीएड वाले नहीं भर सकते, इस चीज को क्लियर रखना। बीएड वाले नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी की वैकेंसी होने वाली है। उसके बाद उम्र में छूट। उम्र में छूट का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग 2018 उससे पहले जो डिलेट किए हुए हैं और या वैकेंसी में आएंगे, अगर आएगी तो उसमें उम्र में छूट देने की, विशेष छूट देने की बात कही गई है, क्योंकि वैकेंसी बहुत डिले से आई है या आएंगी, तो इसलिए इसमें उम्र में छूट मिलेगी ही मिलेगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे यूपी पुलिस में भी छूट मिली थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी उम्र में छूट मिलेगी। अब बात यह आ जाती है कि अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, या कुछ बदलाव होंगे या वही सेम पैटर्न था। तो आपको मैं बता दूं कि एग्जाम पैटर्न जहां तक मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वही रहेगा, क्योंकि उसमें बोला गया है कि 2018 के अनुसार जो भर्ती हुई थी वही अनुसार, उसी अनुसार से भर्ती फिर से हो, है ना। तो एग्जाम पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, है ना। तो जो भी सब्जेक्ट सामान्य ढंग से, सामान्य अध्ययन से, आपको पता ही है कि 3 विषय होता था, मतलब 3 हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, फिर उसके बाद गणित होता था, फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान वगैरह, करंट अफेयर्स, ये सारे सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, मतलब ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, मैंने जो बताए हैं, रफली बताए हैं, गणित क्या है या, तो उसी पैटर्न पर आधारित होगा अगर एग्जाम होगा तो यानी ये सब चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, सामाजिक विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, पर्यावरण भी पढ़ना पड़ेगा, गणित भी पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी और हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो और उसका क्या मार्क्स वगैरह था पिछली बार, अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। तो ये कुछ खबर थी, अगर आप लोग इस न्यूज कटिंग को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और पढ़ सकते हैं। और ये खबर थी। और दूसरी बात कि अगर इससे, इस भर्ती से जो भी अपडेट आगे आने वाली है हम लोग प्रोवाइड करेंगे और रेगुलर बने रहे हमारे साथ। जो भी बच्चे हैं और हैं तो उनको भी बताएं, शेयर करें और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और दूसरी बात कि अब यहाँ पर नियमित रूप से आगे आने वाली क्लासेस जो भी होंगी वो आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।